बता दें कि नू हिंसा पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य की कानून व्यवस्था मणिपुर की तरह ध्वस्त है, हरियाणा की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है। तमाम बातें कही बसपा प्रमुख मायावती ने। हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए ये बड़ा बयान दिया मायावती ने। सुनते हैं बसपा सुप्रीमो ने आखिर क्या कुछ कहा। साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफ़ी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहाँ की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है। हरियाणा राज्य की सरकार का ये दावा है कि सांप्रदायिक दंगा वीप आदि की यात्रा पर इनके अन्य और सहयोगी संगठनों आदि की यात्रा पर पथराव को लेकर शुरू हुआ, जिससे भी पूरे तौर से ये स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में पूरे तौर से विफल रही है। लोगों के जान माल व मजहब की सुरक्षा करना हर राज्य सरकार की पहली संवैधानिक जिम्मेवारी बनती है, जो स्थानीय पुलिस के निष्पक्ष एवं प्रभावी प्रयोग से संभव है। बीएसपी की ये मांग है कि हरियाणा की राज्य सरकार को वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा एवं अमन चैन आदि की बहाली का निष्पक्ष गंभीर एवं ईमानदार प्रयास तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए तथा केंद्र की सरकार को भी इस मामले में राज्य सरकार की हर प्रकार से मदद को जरूर आगे आना चाहिए।